और डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, ख़ास तौर पर आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। डॉक्टर अमजद जी और डॉक्टर शाहनवाज जी, बहुत पेमेंट को लेकर मुझसे इन्होंने बात की, बहस की। लगभग एक महीने तक तो पेमेंट को लेकर ही बहस चलती रही। फिर मैं इनसे डर गई। मैंने कहा देखो, डॉक्टर से बहस करने का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वर नाराज़ होता है तो डॉक्टर के पास भेजता है, और अगर डॉक्टर नाराज़ होता है बहरहाल बहुत अच्छे लोग हैं आप। जितनी तारीफ सुनी थी आपकी, आप उससे दोगुने अच्छे लोग हैं और उससे प्यारा सुनते हैं। कहती हूँ आपके लिए, कहती हूँ कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह 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 वाह, क्या क्या। दिल से सुहानी याद का साया पहली पंक्ति में इतना प्यार दे रहे हो, आखिरी तक तो निहाल ही कर दोगे। वाह, क्या सोफे में आप फंसे बैठे हैं। नहीं नहीं, फंसे क्या बैठे, एक टांग ऊपर करके किसी तरह से फिट किए गए हैं ये उसमें। और भाई साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कभी बीच बीच में पलक भी झपक लिया कीजिए, कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, फिर आप डॉक्टर अमजद साहब को परेशान करेंगे, तो मैं चाह रहा हूं बीच बीच में पलक झपकते रहिए। सुने, दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया, क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया, दिया अपने कसम थी आपकी बस इसलिए, दिया अपने कसम थी आपकी बस इसलिए, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया, मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। सिवान में इतनी जल्दी लोग बदल जाते हैं, बताइए, मतलब इतनी जल्दी कुर्सी के लोग बदल जाते हैं, मुझे नहीं पता था। तजर्बा लेके जाइएगा वापस जी। कुर्सी देखिए, बिहार में ही लोग इतने पलटू हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी से मेरा कोई मतलब नहीं था। उन्होंने ही बाकायदा आपका आरक्षण तय किया था, इसलिए आपका गहरा ताल्लुक उनसे है। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया, क्या कहने है भाई, बात जिंदाबाद। तुम सोचते हो पांव का कांटा निकल गया, क्या नजाकत है भाई, वाह वाह जिंदाबाद। तुम सोचते हो पांव का कांटा निकल गया, भी सह गए, ऐसा हमारा
भी निगल गया। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं भाई, वाह वाह। प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। क्या कमाल सुन रहे हैं आप, मुझे लगता है ये गजल का माहौल बन गया है। मैं ये गजल सीधे सीधे आप तक पहुंचाती हूँ और ये नई गजल है, देखती हूँ इसे कितनी मोहब्बत मिलती है। तो देश और दुनिया में जब ये गजल जाएगी तो मुझे याद रहेगा कि सिवान का प्यार मुझे मिला था, यहाँ हौसला मिला था इसको पढ़ने के लिए। मैं पढ़ती हूँ एक तरफा मोहब्बत के नाम ये गजल है। एक बार जोरदार तालियां साहब इनके इस्तकबाल करते हैं, इनका हौसला बढ़ता रहे। सिवान का पेश करें जी, पढ़ें जी। उसके पहले खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। क्या कहने हैं, वाह। दाद यहाँ से आई है, अगर वहां से भी आएगी तो प्रकृति में बैलेंस बन जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, वो अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। क्या बात है भाई, वाह, बहुत शुक्रिया। अरे वाह, ऐसी दाद भी देते हैं आप। मतलब पक्के बिहारी हो। एक बिहारी सौ पे भारी, बा पढ़े आप जी। नहीं नहीं, एक नारी सौ पे भारी। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा, वो या तो जागता होगा। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी, वहां बारिश तो क्या वो भीगता होगा। आ गए आप। मैं आ गया, वो उसी को देखने गया था, भीग रहा है नहीं। शेर सुने जी, एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। शेर सुने, शेर सुने। इरशाद। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा, किसी को ढूंढता होगा। और अब किसी की तस्वीर बने मन में तो मुझे बताना। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख
क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा, वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। हालांकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं इतनी अच्छी हूं कि मेरी तस्वीर तो हर कोई देख ले। एक शेर और पढ़ती हूँ, सुने इरशाद। उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है, उजाले ही उजाले हो लिखे किस्मत में पर सच है, कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा, वाह वाह वाह, कभी ना तो कभी सबको अंधेरा घेरता होगा। और ये आखिरी शेर इसका, परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर, परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर, परेशानी में मुझको डालती है बात ये अक्सर, वाह वाह वाह, बहेंगे अश्क उसके तो क्या कोई पूछता होगा, बहेंगे उसके तो क्या कोई पूछता होगा, वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, क्या कहना, वो या तो सो रहा होगा वो या तो जागता होगा। वाह वाह वाह, एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। और एक आखिरी गजल, फिर मैं अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी जिसके लिए मुझे खास तौर पर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। जी जी जी, मैं वो आप तक पहुंचाती हूँ। जी हाँ हाँ हाँ, उस वही गजल की तो बात मैं पढ़ती हूँ। जी मैं वही पढ़ रही हूँ। ये तो हाफिज बैठे हैं आपके पीछे। हाँ, और वो जब तक उसने बिल्कुल मनवा नहीं लिया तब तक माना नहीं बिल्कुल। ठीक है, अब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं तो आपको जलन क्यों हो रही है? नहीं नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है, लेकिन मेरे अलावा कोई और तारीफ करे तो ये मसला है ना। देखिए, जब आप बीच में ही कुर्सी से ताली बजाइए जाता, जब आप बीच में ही कुर्सी से उठ के चले जाएंगे तो किसी और को तो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नहीं, कभी कभी हालात चेक करने के लिए भी ये सब कुछ करना पड़ता है कि हमारी गैर मौजूदगी में क्या चल रहा है। जिसका आदेश हुआ है, मैं वो गजल पढ़ती हूँ सीधे सीधे। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। शहर के शोर में वीरानियां हैं, शहर के शोर में वीरानियां हैं, यहां तुम हो मगर तन्हाइयां हैं, शहर के शोर में
क्या कहना? वीरानिया है यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां है, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, 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 जहां तेरी मेरी परछाइयां है। वाह 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 वाह, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, जहां तेरी मेरी परछाइयां है, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूट कर उसको मनाना। बहुत काम का शेर पढ़ रही हूं। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, दिलों की तो यही नादानियां है। उसी से रूठ, क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। जी मैं फिर से पढ़ती हूँ। वाह वाह वाह। एक जनाब कह रहे हैं पूरा पैसा देना चाहिए। आप तो मुझे डरा रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि मुझे पैसे कट के मिलने वाले। मतलब ये भी डॉक्टर अमजद की नियत जानते थे कि ये पैसे काट के देने वाले हैं। आप लोग यकीन जानिए, आपसे मिलकर मुझे इतना अच्छा लगा। आप इतने प्यारे लोग हैं, कुछ लोगों के घर जाओ तो लगता है अच्छे लोग मिले, पर आप सरीखे कुछ अच्छे लोगों से मिलो तो लगता है घर मिल गया। मैं पहली बार सिवान आई हूँ और मुझे वर्षों तक ये स्मृतियाँ मेरे दिल में बनी रहेंगी। आप बहुत आभार। जी बिल्कुल, नहीं नहीं, आप रुक जाइए, मुशायरे के बाद तक कई लोग इस तरह के आएंगे कि आपके लिए अच्छे से फ्लैट या मकान का इंतज़ाम भी सीवान में जल्दी किया जा सकता है। यहाँ के लोग तो इस काम के लिए बहुत, और अभी अगर यहाँ सूरज गुप्ता जी होते तो उम्मीद पहले से आपके नाम हो सकता था। देखिए, जो निज़ामत करता है उसका तो काम ही फेंकने का होता है, वो फेंके ना तो उसका काम कैसे चले। तो आप अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप इसके लिए मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ। और आखिरी दो शेर और पढ़ती हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊँगी, समय की अपनी सीमा है। मैं पढ़ती हूँ, सुने जी। एक शेर में माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ और मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता एक ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। सच्ची बात है, सच्ची बात है। वाह 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 वाह। मैं पढ़ती हूँ, सुनिए। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। क्या सच्ची बात थी, वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, 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 रही माँ
कुर्बानियां हैं। वाह 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 वाह, कभी माँ क्या कहना क्या कहना, हथेली वाह 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 वाह। मैं पढ़ती हूँ, दोबारा पढ़ती कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। वाह, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं, कभी माँ क्या कहना क्या कहना। और ये आखिरी शेर, इसे आपकी मोहब्बत मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा जी, मुझे इतना प्यार देना इस आखिरी शेर में कि मुझे लगे कि थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया, और मुझे इतना प्यार देना कि मुझे लगे कि थोड़ा सा सिवान मेरे साथ चला गया। क्या कहना, वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, चलो एक दूसरे को भूल जाए, जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हाँ, क्या कह रहे? अच्छा अच्छा अच्छा, मनिका जी एक काम ये कि एक तो वो शेर दोबारा पढ़ दीजिए, कभी माँ की हथेली चूम लेना, ये शेर पढ़ दीजिए। और सिवान के लोगों ने पहली बार आवाज उठाई है, इतने सारे लोगों ने मिलकर आवाज उठाई है, तो एक गजल या एक कोई गीत अगर आप पढ़ना चाहती हैं, गजल या गीत जो भी, तो उसके कुछ शेर और सुना दीजिए। ठीक है, अब जरा सा तालियां बजा दीजिए सारे लोग मिलकर, ताकि मनिका शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। मैं गजल पढ़ती हूँ, हालांकि डॉक्टर साहब ने मुझे गीत के लिए कहा है जी। कितनी जल्दी बिहार के लोग पलट जाते हैं। मैं गजल ही पढ़ती हूँ, क्योंकि देखिए हमारा पहला प्यार है जिसके लिए हमने गजल लिखी, और आप हमारा दूसरा प्यार है जिसके लिए हम गजल पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ जी, और उम्मीद है कि आप सुनेंगे। जिसके लिए आपने कहा, मैं वो शेर पहले पढ़ती हूँ, सुनिए, आपकी तवज्जो मिलेगी तो अच्छा लगेगा। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। क्या कहना, वाह वाह वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं, कभी माँ की हथेली चूम लेना, रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या गजल शुरू की। यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन आपके बैनर पे लिखा था, और आप यूनिटी एंड पीस पर भरोसा रखते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं पढ़ रही हूँ। कोई अनबन कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा, चलो वादा करें
कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा, चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, यही है प्यार की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं हो। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह। परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होगा। वाह वाह वाह। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम हैं हम भी, वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। वाह 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 वाह। वो सपना देखते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। वाह वाह वाह। ये कैसा बावलापन है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसी रूहदारी है। उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा, उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा, नहीं होगा। और आखिरी शेर और आपसे विदा। निभाया ना जाए, आप सबकी विदा चाहती हूं। निभाया ना गर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम, वाह वाह वाह। निभाया ना गर जाए मुझको छोड़ देना तुम, मुझको छोड़ देना तुम, तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। वाह 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 वाह।